न्याय नहीं मिलने से पीड़ित महिला जवा थाने से लेकर डीआईजी कार्यालय रीवा चक्कर लगा रही है। जवा पुलिस पर पैसे लेने का आरोप लगाया है। मामला रीवा जिले के जवा थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत चांदी के उस मैदा गांव का है, जहां पर आज पीड़ित साधना देवी सोनकर और उसके परिजनों ने महिला थाना पहुंचकर आवेदन दिया। उसने बताया कि उसके पति रविशंकर सोनकर, पिता इंद्रनाथ सोनकर, ग्राम कुसमैदा थाना जवा, सास गीता देवी सोनकर, ससुर इंद्रभान सोनकर, देवर उमा शंकर सोनकर के द्वारा दहेज की मांग कर उसके साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जान से मारने की धमकी देकर घर से बाहर भी निकाल दिया, जिसकी शिकायत वह जवा थाने में की गई। उसने बताया कि उसकी दादी और माँ जवा थाने में दर्ज कराने गई, तब संपत्ति के संबंध में यह बोला गया कि जवा पुलिस ना लिखकर अपनी मर्जी से शिकायत दर्ज की, जिसकी शिकायत पर जवा पुलिस के द्वारा आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई, उल्टा कार्यवाही करने की धमकी दी जा रही। तब मजबूरन परिजनों को लेकर पीड़िता SP रीवा, DIG रीवा के पास जा चुकी है। किस गाँव की है? आगे बच्ची के साथ हादसा हुआ है, पूरा मामला क्या है? अब ये मामला है, इसकी शादी करी हुए हैं झलवा, तो शादी हुई है तो लड़का यहाँ के गया था, भगा कर ले जाया अपने घर, दो तीन दिन रखा था, इसको मार के भगा दिया कि हम इसको नहीं रखेंगे, अब यही मन हो यही जाए। किसकी शिकायत आपने कहाँ की? ये शिकायत यहाँ जवा हुई थी, रीवा हुई थी। तो जवा में कार्रवाई नहीं हुई? नहीं जी। क्या कह रहे हैं वहाँ से? यहाँ से कह रहे हैं कि वो नहीं रख रहा है तो क्या करेंगे, हम आवेदन दिया था, कोनो सुनाई नहीं है हमारी। इसके बाद आज आप लोग महिला थाने आए हैं, तो यहाँ क्या कहा? महिला थाना आए थे तो महिला थाना बोल रहे हैं कि अभी कार्रवाई तुरंत नहीं होगी, दो दिन तीन दिन में होगी। अच्छा, बीच में जब इसके साथ मारपीट हुई, क्या कोई समझौता हुआ, कोई बातचीत हुई? पंचायत द्वारा से रखा था, पंचायत द्वारा से रखा था, तो लड़का कहा था कि हम थाने मत जाओ, हम इसको रख लेंगे, तो अपने माँ बाप को सुनकर, अपने फुआ फूफा के सुनकर इसको लड़की कर पक्की ज़मीन में उठा उठा कर पटक दिया, इसको नाक से कान से इसको खून निकलने लगा। हम लोग थाने गए थे तो थाने वाले बोलते हैं कि तुम यहाँ से निकल, हम तुम्हारे लिए कार्रवाई नहीं करेंगे इसको, अब तुम यहाँ से लड़की लेकर चले जाओ घर, आप जहाँ शादीशुदा हुई ही वहीं पर रखना, ये लड़का नहीं रखेंगे तो क्या करेंगे हम, और नहीं तो हम तुमको उल्टा कार्रवाई तुम्हारे ऊपर कर देंगे। घर में रखा दो तीन दिन, मार के निकाल दिया, ये मेरे माँ बाप है। तो इसकी शिकायत आपने कहाँ की? रीवा किया, जवा किया, कहाँ कुछ सुनाई नहीं, इसके सबने किया, महिला थाना। तो आज महिला थाना है, क्या कार्रवाई हुई? कुछ नहीं हुई। क्या बोल रहे हैं? समझा कर उसको भेजे, मुझको भी भेजे। शोभनाथ सोनकर कहाँ के हैं? चांदी गांव। ये मामला आया है कि इस लड़की को बाहर कर दिया गया है शादी के? ये मामला आया है, इस लड़की के यहाँ घर पर गया वो लड़का, इसकी शादी झलवा में नरई के यहाँ हुई थी, और ये लड़का उसको गया तो बुलाया, तो एक घर के पाछे बुलाया, वो लड़की गई, फिर इस लड़की को कोई FIR नहीं लिखा गया, वहाँ पर जब गई तो इसको वाले पुलिस वाले बोले कि तुम्हारी FIR नहीं लिखेंगे हम, तो कहूँ भी जाओ, जो हम करेंगे थाने के अंदर, थाना प्रभार तो मैं लिए हो, थाना प्रभार मैं लिए जो करेंगे तो हमारे हम करेंगे, हम कुछ भी तुम्हारे तरफ से कार्रवाई नहीं करेंगे लड़की तरफ। ऐसा कौन बोल रहा था? ये बोल रहा था एक जने, वो सूरज हैं सिपाही, एक परिहार हैं, एक TI साहब हैं, दुर्गा मैडम भी कहें कि भाग जाओ भोसड़ी के, मार के तुमको लोगों को अंदर कर देंगी, यहाँ लड़की के तरफ से हम लोग कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों कहे वो लोग? कहें कि हम लोगों को ऐसा कहें कि उन पा गए उन में लिफाफा में सूरज के हाथ में पैसा दे दी, जो पैसा है 60-65 हज़ार ने ये ले आकर दिए हैं। क्या आपने देखा? हाँ, हमने देखा है लिफाफा में, मगर हम ये नहीं देखा कितना पैसा पाए हैं सूरत सिपाही ने दिया, इससे कार्रवाई हुआ थाने में नहीं किए, हम गए तो कहें भोसड़ी वाले तुम तो नेता हो या नेतागिरी करने आए हो, भाग जाओ उन्हें मार के भगा देंगी, तो हम फिर चले आए, वहाँ से आए तो महिला थाना में आवेदन दिए, ये जाई हुआ दिए SP साहब के पास दिए, SP साहब के दो बार आवेदन दिए, कोई सुनाई नहीं हुई, यहाँ आवेदन दिए AIG साहब के पास दिए आवेदन, AIG साहब TI साहब के पास फ़ोन भी लगाए, तो हमको दुर्गा मैडम कहीं तुमने आ गए हुआ
नेता जब बाबूजी के साथ पहुंच गए थे, वह बाबूजी के साथ गए थे, एसपी साहब के पास गए थे, वो हमारा घंटा है, हमारा निपोरा है। इस तरह से हमको दुर्गा मैडम ने बोलनी, हमारे ऊपर झापड़ उबा कर झापड़ एक झापड़ तान के मारी है, वही बड़ा का पेड़ तेरे मंदिर। क्या इसकी शिकायत हमने एसपी साहब से की? एसपी साहब के किए के आवेदन दिए कि हमारा थाने में कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई सुनाई भी नहीं हो रही है, तो एसपी साहब उसमें दस्तखत करवाएं, कहीं जाओ नीचे वहाँ ग्राउंड में दस्तखत फाइल जमा करो, हम पहुँच जा रहे हैं, फिर कार्रवाई करो, जाओ थाने। अच्छा, आज महिला थाने आप आए हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं? महिला थाने आए तो वो जो है लेके आया अपना आदमी, तो आगे पहुँचा तो हमारे महिला थाने में कोई सुनाई भी नहीं हो रही है, कहते हैं कि तुम लोग कहाँ के नेता लपाड़ी हो, दल जोर के आए हो, कहते हैं कोई तुम लोग दल जोर के आए हो, हैं भाग जाओ यहाँ से। तो हम कहाँ कह सकते हैं, गरीब मई मारपीट तो नहीं कह सकते हैं, मगर हम सहायता चाहते हैं कि शासन की तरफ से हमारे हमारे सरकार के साथ में हमारे सहायता किए जाए, हमारी मदद किए जाए। हम ये चाहते हैं कि सरकार की तरफ से हमारी मदद की जाती है, थाना पुलिस यही खातिर बनाया गया है, थाना द्वारा जनता यही खातिर चलाती है। सर्व सुविधा युक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा, संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602888 5990 पर।